आज हमारे साथ हैं प्रिंस पाइप्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग चड्डा साहब. चड्डा साहब स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका. और चड्डा साहब से बातचीत करूं उससे पहले क्विकली आईपीओ की डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी. आज से ये प्रिंस पाइप्स का आईपीओ खुला है और 20 दिसंबर यानी कि परसों फ्राइडे को यह आईपीओ बंद होगा. 177 से 178 रुपीज का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 250 फ्रेश इश्यूएंस और 250 करोड़ का ओएफएस ये प्रमोटर्स यानी कि कुछ माल वो बेच रहे हैं. 84 शेयर्स का लॉट साइज, तो एक लॉट के लिए आपको 14,952 रुपए खर्च करने होंगे और या फिर उसके सब्सिक्वेंट मल्टीपल्स पे. चड्डा साहब कांग्रेचुलेशन एक तो प्राइमरी मार्केट में डेब्यू करने के लिए, और ये समझाएं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग सर ये कंपनी करती क्या है, किस तरह का कामकाज है, आसान शब्दों में समझाएं और किस तरह की ग्रोथ, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए बांध के चलें हम लोग. हमारे जो प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट है सो प्रिंस पाइप्स ये मेनली केटर करता है टू एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्लंबिंग, ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फॉर बोरवेल एप्लीकेशंस. सो कई प्रकार के एप्लीकेशंस हैं और कंपनी के पास मोर देन 7,200 से भी अधिक प्रोडक्ट्स हैं. मुझे बेहद खुशी होती है बताने के लिए कि हमारे पास ये लार्जेस्ट रेंज जो हम ऑफर करते हैं विद इन द इंडियन प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री. और जो आने वाला ग्रोथ है वो कंपनी को दिखाई दे रहा इज ऑन द प्लंबिंग और दी ड्रेनेज सिस्टम्स. ओके अच्छा चड्डा साहब ये बताएं ये आईपीओ के जरिए कितनी फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है और इस पैसे का इस्तेमाल कैसा होना है. हाँ जी सो टोटल हम 600 करोड़ रेज करना चाह रहे हैं और 600 करोड़ में से एक ऑलरेडी प्री आईपीओ राउंड हो चुका है 2 हफ्ते पहले फ्रॉम मार्की इन्वेस्टर विच इज कॉल्ड SGEF द ग्लोबल एनवायरमेंट फंड. तो अब जो इश्यू साइज होने वाला है वो 500 करोड़ का. आउट ऑफ द 500 करोड़ 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ वी आर गोइंग टू रेज फॉर द प्राइमरी और 250 करोड़ होगा फॉर द सेकेंडरी. तो 500 में से 250 करोड़ फ्रेश इश्यूएंस है, 250 करोड़ पे आप लोग अपने प्रमोटर्स को स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं. ये जो फंड मोबिलाइज कर रहे हैं इसकी इस रकम का इस्तेमाल क्या होगा. सो हमारे आईपीओ प्रोसीड्स में से जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी से 250 करोड़ रेज होगा आउट ऑफ विच 180 करोड़ विल बी फॉर अवर तेलंगाना यूनिट. और तेलंगाना यूनिट में हमारे पास दोनों प्रोसेस रहेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग और एक्सट्रूजन. और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वाला ये प्लांट बनेगा जहां पे मैंने जैसे बताया कि इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट भी रहेगा और वहां पे हम ऑल पॉलीमर्स करेंगे, UPVC, CPVC, HDPE और PPR, चारों पॉलीमर्स को हम केटर करेंगे. अच्छा चला साहब ये फाइनेंशियल जब हम लोग देख रहे थे तो पिछले क्वार्टर का जो मार्जिन परफॉर्मेंस है वो तो बेहतर देखने को मिला, पर बड़ा सवाल क्या मार्जिन्स करंट लेवल्स पे सस्टेन हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग का तो काफी हद तक क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स पे डिपेंडेंस होता है और इस समय जिस तरह की कच्चे तेल में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, सस्टेन कर पाएंगे क्या. सो जो हमारा क्वार्टर वन का जो परफॉर्मेंस रहा है एंड ये मुझे लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है बिकॉज मार्केट में काफी कंसोलिडेशन हो रहा है. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम शिफ्ट देख रहे हैं टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड विद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जो रीजनल प्लेयर्स है उनका भी बिजनेस ये टॉप 5 कंपनीज को आ रहा है. सो वी सी दैट द जो मार्जिन्स के जो नंबर है हमारे ये सस्टेनेबल रहेंगे. और इस समय की क्षमता कैसी है सर प्रिंस पाइप्स की, कितनी कैपेसिटीज हैं, किस यूटिलाइजेशन पे आप लोग इस समय काम काज कर रहे हैं और यहां से केपेक्स के प्लान्स क्या हैं आप लोग के. हाँ जी श्योर. सो हमारी जो कैपेसिटी है इंस्टॉल कैपेसिटी वो है 231,000 मेट्रिक टन एंड हमारे जो रेवेन्यूज है वो यू नो मोर देन 40% रेवेन्यूज आते हैं फ्रॉम दी नॉर्दर्न रीजन. साउथ और वेस्ट में इट इज ऑलमोस्ट इवन एट अबाउट 25% और ईस्ट का जो सेगमेंट है सो ईस्ट का रीजन से
Today the revenues are about 11% and ये growing market है, emerging market है, not only for the company but also for the industry. Talking about the utilization of the capacities, so currently हमारी जो capacity utilization है वो 65% पे है, 65% almost. And मैं समझता हूँ कि industry का practice है anything between 68% to 70%. So we are very near to the peak of the capacity utilization और इसीलिए हम कैपेसिटी एक्सपेंशन चाह रहे हैं. ओके छड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए. लिस्टिंग होगी तब आपसे आगे के फाइनेंशियल्स पे डिटेल पे चर्चा करेंगे. लेकिन आप सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा, ये प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स, ये कंपनी है कैसी, फंडामेंटल्स कैसे स्टैक अप होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल पैसा लगाना है या नहीं लगाना, सब्सक्राइब करे या नहीं करे. तो मेरे सहयोगी यतिन और सुमित दोनों रेडी है इसको थोड़ा सा डीकोड करने के लिए. और यतिन खास तौर पे इसकी जब आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे और आरएचपी आरएचपी में देख रहा था, बड़ा सा लेके बैठे हुए थे, पॉल लिख रहे थे. तो सुमित ओवर टू यू. देखिए जब से तीन आईपीओ भी गए ना, सीएसबी और उज्जीवन और आईआरसीटीसी, तो बढ़ गया क्रेज, बढ़ गया. लोगों लगा शायद इसमें भी मोटा पैसा बन जाएगा, यहाँ भी पैसा लगाना चाहिए और अच्छा आईपीओ रिटर्न आएगा. छोटा सा आईपीओ तो शायद आसानी भी रहेगी बड़े रिटर्न आने की. करीब करीब सभी ब्रोकर्स में आप सब्सक्राइब किराया दे रहे हैं, छोटा सा आईपीओ है, प्राइस बैंड भी थिन सा है, 77-78 की रेंज में. क्या करना चाहिए यतिन, पैसा लगाना चाहिए? सुमित देखिए, यस्टरडे कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर बुक खोला, 500 करोड़ का आईपीओ था, उसमें से 150 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से आ गए, 8 बहुत ही बेहतरीन नाम. अगर आप देखें तो बिल्कुल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, बिरला एएमसी है, गल्फ के काफी सारे फंड्स हैं. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बैकिंग आ चुकी है, 150 करोड़ रुपए उन्होंने डाल दिए 178 रुपीस पे, माफ कीजिएगा 168 रुपीस पर शेयर पे. तो वहां सारा कुछ यू नो चीजें काफी कंपनी के लिए वर्क कर रही हैं. अगर आप टोटल फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के, तो FY19 की जो सेल्स थी वो करीब 1572 करोड़ रुपए थी और कंपनी ने करीब करीब 185 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कमाया. अगर आप देखें तो इनकी सेल्स जो है पिछले तीन वित्त वर्षों में करीब करीब 13-14% की ग्रोथ हमको देखने मिली है. प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर रहते और नए प्लांट्स ऑनलाइन आते हुए थोड़े प्रेशर में थे, तो प्रॉफिट सीएजीआर जो है उनकी सिर्फ 7% रही. सो जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ था सिर्फ 7% था प्रॉफिट्स का. अगर आप ब्रेकअप देखें तो कंपनी की बहुत जबरदस्त पकड़ है नॉर्थ इंडियन मार्केट्स पे, वहां से करीब 40% कंपनी की सेल्स आती हैं और इसीलिए उन्होंने एक राजस्थान में नया प्लांट शुरू किया 2 महीने पहले और अभी साउथ मार्केट्स को मजबूत बनाने के लिए वो तेलंगाना में एक नया प्लांट डाल रहे हैं. एक लास्ट सवाल, छोटा सवाल, पैसा लगाना है अगर प्रिंस में तो एस्ट्रोलोफेमिलिस में क्यों ना लगाए? अच्छा सुमित, तो देखिए ये मुद्दे पे मैं आ रहा था. वैल्यूएशन की अगर बात करें तो प्रिंस पाइप्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, बेसिकली जो एक बेंचमार्क होता है वैल्यूएशन करने के लिए, वो सिर्फ 18 टाइम्स है, जबकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 30 टाइम है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. और एस्ट्रल पॉली है, उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चलता है 90 टाइम. अच्छा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पीयर्स है, एस्ट्रल पॉली ने अभी एडेसिव्स में और केमिकल्स में भी फोरे किया है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में थोड़े स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हैं, तो सीधे सीधे तरीके से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते. लेकिन आप बेंचमार्क देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स पे भी आपको ये सस्ता दिखाई देगा. प्रिंस पाइप सिर्फ 1 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स आ रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज अभी जो लिस्टेड कंपनी है वो 3 टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है और एस्ट्रल पॉली करीब 9 टाइम्स. एस्ट्रल पॉली के काफी रिच वैल्यूएशंस हैं और प्रिंस पाइप अगर आप देखें ओवरऑल सेटअप में तो शेयर सस्ता है, ग्रोथ कम है, जिसके कारण एक छोटा सा लिस्टिंग गेन आपको दिख सकता है. लास्ट सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय का बड़ा अभाव है. पैसा डाले, अगर डाले तो लिस्टिंग के लिए डाले या लंबे अवधि के लिए डाले? सो लिस्टिंग गेन तो होना चाहिए इसमें, छोटा सा लिस्टिंग गेन 5-10% का वैल्यूएशन को मद्देनजर देखते हुए. लॉन्ग टर्म की मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो सारा कुछ ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, कितना ग्रोथ कंपनी डिलीवर करवाती है. बट पूरा वैल्यूएशन मेट्रिक पे देखें और ब्रोकरेज की राय माने, जिन्होंने सारा सब्सक्राइब ही दिया है, ज्यादातर ब्रोकरेज ने सब्सक्राइब रेटिंग ही दिया है, तो सब्सक्रिप्शन डालें और लिस्टिंग गेन आपको 5-10% का यहां देखने को मिल सकता है. ओके तो ये रहा डिटेल में कवरेज प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के आईपीओ का. धन्यवाद आप लोग का और क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एसएमई कॉर्नर.